you can say that to Daisy. Thank you so much. So it's about the floral collection, the flower garden, and it's all the pastel, very refreshing and very simple silhouettes, but I hope you enjoy the show. That's it. I think पहली बार मैं कुछ ब्राइडल ऐसे कुछ पहन रही हूँ रैम्पर. I've never ever worn traditional Christian bride for contra. I've never ever done that, so it was really beautiful and music बहुत ही अच्छा था. The feel जो माहौल उन्होंने create किया था stage पर was really nice. So yeah, very dreamy, very wedding like. Thank you. Thank you. There's nothing more beautiful than a white wedding. I think it's the most beautiful. I mean, किसी से भी पूछो, a white wedding is surreal. Like, but yeah, I mean, yes, of course, our Indian attire is also beautiful. I have to say that. But अगर आपने भी मुझे पूछा है preference, then I like a white wedding. मुझे तो बहुत पसंद है, जैसे मैंने कहा मुझे वाइट वेडिंग बहुत पसंद है. एंड आई थिंक जब एक जब दिखाते ब्राइड्स जब वाइट पहनते हैं, आई थिंक इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, रियली स्टनिंग. हम हमेशा शादी हमेशा लाल के साथ एसोसिएट किया जाता है. एवरीबडी इज ऑलवेज इन रेड्स एंड गोल्ड्स. सो टू सी अ ब्यूटीफुल वाइट वेडिंग ड्रेस इज ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग. उनकी पूरी कलेक्शन जो उन्होंने किया है, सारे कलर्स बहुत ही पेस्टल के थे. बहुत ही उनका जो पैलेट था, कलर पैलेट बहुत ही प्यारा सा था. सो और हर एक गाउन बहुत ही, अगर आप देखें, वर्क भी बहुत ही इंट्रिकेट, वेरी वेरी प्रिटी. अरे बाबा, इतने साल के बाद अब मैं कॉन्फिडेंट ना हूँ तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है. मुझे बहुत पसंद है. टिप्स, आई थिंक वॉक करने से पहले तो हमेशा मैं बहुत ही नर्वस रहती हूँ, लेकिन एक बार जब रैंप पे मैं आ जाती हूँ तो फिर वो सारा जो नर्वसनेस है सब चला जाता है. बिकॉज आई थिंक ऑडियंसेस बहुत ही इनकरेजिंग होते हैं. म्यूज़िक बहुत अच्छा था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी. सो आई थिंक एवरीथिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक अगर आप टिप्स पूछे, यू शुड जस्ट बी योर सेल्फ, यू शुड हैव फन. I wanted to just play with, like, you know, she's got such a good body, so just embrace the curves, and I love it. So I just thought about her, and I designed this for her. So celebrate your curves. Yeah, that's what it is. Ji, India's best dancer, please dekhiye. Aur कमाल के डांसर्स हैं और बच्चे बहुत ही अमेजिंग है. तो प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए. एंड ये हमारा सीज़न 2 है, और बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस बार का जो टैलेंट है बहुत ही कमाल का था. आई थिंक फाइनली थिएटर्स खुल रहे हैं. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इंकरेजिंग फॉर द इंडस्ट्री. एंड आई थिंक दिवाली पहली रिलीज हो रही है. सो यस, आई विल बी गोइंग टू वॉच फॉर श्योर, बिकॉज आई थिंक वी शुड ऑल गो एंड वॉच टू एनकरेज बैक टू गोइंग टू थिएटर्स टू वॉच. लेकिन यू शुड बी वैक्सीनेटेड, यू शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस. राइट नाउ बिजी, आई एम वेरी बिजी विद इंडियाज बेस्ट डांसर. सो यस, आई एम वेरी बिजी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Love the colors. Sorry.
हो रहा है पाँव में. हाय 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 गुरु भाई आवाज छे. तो कान में हेडफोन हल्का लगा है क्या इसका? हाँ इनको आवाज आ रही है. One being Achutra and the other one being Petri. As you can see on both of them, they both have both the waves also. So, yes. And I love it. I'm so happy and they love the products according to these. Thank you, thank you, thank you. तो इन्होंने अभी अभी कहा है कि ये जो साड़ी आप देख रहे हैं हम पहने हुए हैं ये सोने की साड़ी है. प्योर गोल्ड से बनी हुई है. थ्रेड इनफैक्ट मेरी भी. धोती भी है वो भी प्योर गोल्ड से बनी हुई है. और उससे भी अच्छी बात है कि ये हमें गिफ्ट कर रही है. तो सुनने के बाद हमें स्पेशली और ज़्यादा खुशी हुई. लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो जिस हिसाब से शी एक्चुअली शी हैज़ थॉट ऑफ दिस लेबल टॉकिंग अबाउट बीइंग वोकल फॉर लोकल जो हम पिछले एक डेढ़ साल से कोशिश कर रहे हैं. I think this is an amazing initiative. The lockdown has taught us to be self-sufficient, to be depending on our own weavers, ताकि कोने कोने में बैठे हुए जो talent है वो लोग ज़िंदगी जी सके. और मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हैं हमारे देश में. हम इन लोगों को ओवरलुक करके विदेश की तरफ देखते हैं. लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें our weavers can have an amazing future and we can actually showcase this to the world. So that is why I am extremely extremely excited. This is an amazing initiative. Thank you Pichle, so much. I had also been trying to do this. Trying to make our local designers give some platform, and this I think is an amazing initiative. Thank you so much for working for me. I'm really grateful. देखिए हमने आपने बहुत अच्छा पूछा. एक्चुअली हम दोनों साथ में ही हमेशा चलते हैं, घर पे भी चलते हैं साथ में, लेकिन स्टेज पे कभी एक्चुअली हमने कभी रैंप वॉक पे हमने दोनों ने साथ पे वॉक नहीं किया. मुझे लगता है कि हमारे लिए बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में हम पहली बार साथ में वॉक कर रहे थे. चला है लेकिन बहुत टाइम हो गया है. और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपने जैसे बोला घर पे वॉक करते करते हम सीधा रैंप वॉक पे हम वॉक कर रहे थे, वही फील हो रहा था मुझे. एज इंडियंस आई थिंक हम लोगों को सबसे हमारा जो ये अटायर है ये नॉट ओनली कम्फर्टेबल ये गॉर्जियस भी होता है. मतलब आपके पास जब कोई चीज़ नहीं होता है पहनने के लिए आप एक साड़ी उठा के पहन लो, इससे खूबसूरत आप किसी चीज़ में नहीं लग सकते हो. और मैं एक चीज़ एक छोटा सा सीक्रेट कहना चाहूँगी. टुडे ही इज़ वेयरिंग अ धोती. दो तीन दिन पहले वी केम बैक फ्रॉम कैलकटा एंड गुरमीत के लिए मैं एक धोती लाई थी विच ही वोर्न डे बिफोर येस्टरडे. एंड आप एक धोती पहनते हैं एक लुक इमीडिएटली कितना अलग हो जाता है. एंड एवरीबडी इट वाज स्टनिंग. आई मीन ही बिकेम अ हेड टर्नर दो ही इज ऑलवेज माय हस्बैंड. आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले दुर्गा पूजा से जब से कैलकटा में गया था पिछले 15 दिन से मैं धोती पहन रहा हूँ और आज भी धोती पहन रहा हूँ कुर्ता पहन रहा हूँ. और मैं कल देवीना को कल रात को ही बोल रहा था मुझे अब एक्चुअली जीन्स और टी शर्ट पहनने में वो मज़ा नहीं आता. बिकॉज एक तो इट्स वेरी कम्फर्टेबल, आप इतने कम्फर्टेबल होते हो और दिखते भी अच्छे हो क्योंकि आप भीड़ में अलग दिखते हो और खूबसूरत लगते हो. हम सिर्फ त्यौहार तक क्यों सीमित रह गए हैं? पहले जब हम छोटे होते थे जब दादाजी के देखते थे वो हमेशा कुर्ता धोती पहनते थे और उतने ही सुंदर लगते थे. लेकिन धीरे धीरे हम सिर्फ त्यौहार तक सीमित रह गए हैं. मैं और देवीना इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमें लोग इतना प्यार करते और राम और सीता बोलते हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब हमसे इनसे भी बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि हमने एक शुरुआत की है. और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ त्यौहार तक ना सीमित रहें, हम डेली अगर हम पहने और आप सुंदर लगते हो. डेली धोती वाह वाह हाँ इट्स वेरी कम्फर्टेबल.
बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला सच में. एक्चुअली हम लोगों को पता था कहीं ना कहीं, बिकॉज काम बहुत करते हैं और फिर कभी कभी लगता है ठीक है काम किया है एक, आगे बढ़ते हैं. लेकिन दिस वॉज द टाइम वेन वी फेल्ट दैट शुभो विजया वॉज मेड सो वेल दैट वी वॉन्टेड पीपल टू नो अबाउट इट. एंड धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है और जिन लोगों ने देखा सब रोए और सब ने जिस तरीके से मैसेज भेजा, इट इज़ सो हार्ट टचिंग. आई वुड अर्ज एवरीबडी टू गो सी दिस फिल्म ऑफ लव. एंड जो प्यार में बिलीव करते जो नहीं करते सब जाए, क्योंकि प्यार ही एक्चुअली हमारी हमारी यू नो वर्ल्ड को पकड़ के रखा है एक जगह पे. थैंक यू. Come this way. Ah, yeah.